चरखी दादरी में 11 से 13 मार्च तक 39वें राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया गया है, जहां घोड़े और ऊंटों के शानदार करतबों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पशु मेले में पशु प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। मेले के दूसरे दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। इस दौरान जहां रैंप पर घोड़े और ऊंटों समेत कई पशुओं ने कैटवॉक किया, तो वहीं राज्यपाल ने पशुपालकों को सम्मानित किया। कभी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती किसानी पर ही आधारित थी, लेकिन आज किसानों ने पशुपालन में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी आगे आई है। यहाँ के पशुपालन विभाग ने चरखी दादरी में 39वां राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया। मेले के दूसरे दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। इस दौरान उनके साथ पशुपालन मंत्री जेपी दलाल और समाज कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्यपाल ने पशु मेला का अवलोकन कर प्रगतिशील पशुपालकों से मुलाकात की। इस दौरान रैंप पर घोड़े ऊंट समेत कई प्रजातियों के पशुओं ने शानदार कैटवॉक किया। मेले में पशुपालकों को बुलेट स्कूटी समेत लाखों रुपए के इनाम जीतने का भी मौका मिला। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा प्रदेश की बेहतर पशुपालन नीति के चलते देश भर में दुग्ध उत्पादन में हरियाणा पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। हरियाणा में जो पशु प्रदर्शन का मेला जो है बहुत बड़ी पैमाने में गाँव के किसान और पशुपालकों ने भाग लिया है। मुझे खुशी है हरियाणा पशुधन में काफ़ी आगे बढ़ रही है। यहाँ के भैंस और गाय घोड़ा और ऊंट भी जो है प्रदर्शन जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन मैंने देखा, और हरियाणा सरकार भी इस पशुपालन के लिए बजट में गत वर्ष में 1,300 करोड़ रुपया था, इस वर्ष 1,600 करोड़ रुपया बना है। इसी तरीके से हरियाणा पूरे देश में दूध उत्पादन में दूसरे नंबर पे। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं हरियाणा प्रदेश में पशुपालन के व्यवसाय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा का पशुधन स्वस्थ रहे। वहीं राज्यपाल ने महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि महिला अच्छी भागीदारी निभा रही है। मुझे विश्वास है हरियाणा का पशुधन जितना बढ़ेगा और ग्रामीण किसान और पशुपालकों को उनका आय बढ़ाने में बहुत सहायता मिलेगी, और इसी के लिए हरियाणा सरकार भी विशेष करके जो पशुओं का जो भी रोग निवारण करने के लिए नए वैक्सीन लाकर, और मुझे खुशी है महिलाओं ने अच्छा भागीदारी ले रहे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। राज्यपाल ने कहा हरियाणा प्रदेश की काला सोना कही जाने वाली मुर्रा भैंस की प्रोत्साहन के लिए पशुपालकों को 30,000 रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि और हरियाणा नस्ल की साहिवाल गाय की 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने राज्यपाल की 39वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी में पहुंचने पर स्वागत कर उन्हें प्रगतिशील पशुपालकों से मिलवाया। लोग अपनी अपनी अच्छी नस्ल के अच्छे दूध वाले ऐसे पशुओं को लेकर आए और यहाँ आकर के पता लगता है कि किस प्रकार से हरियाणा का किसान पशुधन को लेकर कितना जागरूक है, कितना सतर्क है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर उसी की बदौलत देश के अंदर दुग्ध उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। और हमारा प्रयास है कि किसान को प्रेरित करके दूसरे लोन वगैरह का प्रोत्साहन देकर हम इस प्रकार के मेलों के माध्यम से प्रदर्शनियां लगाकर हरियाणा प्रदेश को नंबर वन लाएं। समाज कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि चरखी दादरी में आयोजित 39वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी के माध्यम से पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा के पशुपालक दुग्ध उत्पादन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं और पशुपालन को लेकर जागरूक हैं। सूर्य समाचार के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।